YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, खबरें अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। कांग्रेस ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में जनाक्रोश रैली की। पार्टी ने रैली में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्नाटक में जब वो बोल रहे थे तो उनके बगल में येदियुरप्पा खड़े थे। येदियुरप्पा भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि आज जो भी असत्य के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उसे मोदी सरकार के गुस्से का सामना करना पड़ता है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नोटबंदी और GST कानून के कारण अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। राहुल ने कहा कि BJP एक साजिश के तहत देश में संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में लगी है। मोदी जी आते हैं, प्रदेश के सामने भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ना हो। स्टेज पे उनके दाएं साइड पे येदियुरप्पा जी खड़े हैं। BJP के चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट जो स्वयं जेल में जा चुके हैं, जेल का पानी जेल का भोजन खाएं। दूसरी तरफ चार मंत्री वो भी जेल में आके समय लेके आए और बीच में नरेंद्र मोदी जी, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। गोयल अपनी कंपनी को डिक्लेयर नहीं करता है, मंत्री बनता है अपनी कंपनी को डिक्लेयर नहीं करता है, बाद में एक पावर कंपनी को 48 करोड़ रुपए के लिए अपनी कंपनी बेचता है। पहली बार पावर मिनिस्टर अपनी कंपनी किसी पावर कंपनी को बेचता है। नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए आपका पैसा उठा के ले जाता है, आपको लाइन में खड़ा करते हैं, आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है। सरकार ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, इन्होंने नीरव मोदी के बारे में एक लाइन बोली, एक शब्द बोला।